देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में आज भी लागू रहेगी धारा 144। तीसरी बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच दिल्ली में आज भी रफी मार्ग से होते हुए मदर टेरेसा क्रिशन मार्ग, विजय चौक का पूरा इलाका और नई दिल्ली के कई इलाकों में कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं जा पाएगी। हजारों सुरक्षाकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी 2690 लोगों को प्लाट आवंटन पत्र वितरित करेंगे। हरियाणा में वर्ष 2008 में चयनित हुए बीपीएल परिवारों में से 2690 लोगों को मुख्यमंत्री नायब सैनी आज अपने हाथों से प्लाट आवंटन पत्र सौंपेंगे। इनमें सोनीपत जिले के विभिन्न गांवों में 1794 लोग शामिल हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाट आवंटन पत्र वितरण के लिए दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के कारण आज सिक्किम के शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद। गंगटोक नगर निगम क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रतिबंधों को समायोजित करने के लिए लिया गया है। आज से खुलेगा ट्रैवल कंपनी इक्सिगो का आईपीओ। ट्रैवल वेबसाइट इक्सिगो का प्रवर्तक कंपनी ले ट्रैवन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ आज से खुल गया है। बता दें कि आम निवेशक बुधवार तक इसके लिए बोली लगा सकते हैं। एक्सिगो आईपीओ का इश्यू साइज 740 करोड़ रुपयों का है। इसमें फ्रेश इश्यू 120 करोड़ रुपए को और ऑफर फॉर सेल 620 करोड़ रुपए का है। आज पंजाब में बंद रहेंगे दफ्तर और अन्य संस्थान। पंजाब में आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन राज्य भर की सरकारी व्यावसायिक इकाइयों में छुट्टी रहेगी। बता दें कि आज शहीदों के सरदार साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है, जिसके चलते सरकार ने 2024 की आधिकारिक छुट्टियों की सूची में इस दिन की छुट्टी की घोषणा की है। पंचकुला में खेल प्रतियोगिता के लिए आज होगा जिला स्तरीय टीमों का ट्रायल। खेल विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय और महाकुंभ प्रतियोगिता के लिए आज और 11 जून को जिला स्तरीय टीमों का ट्रायल होगा। बता दें 24 प्रकार के खेलों में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय पर ट्रायल देने पहुंच सकते हैं। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी ही प्रदेश स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। आज लखनऊ के अकबर नगर में होगा ध्वस्तीकरण। अवैध निर्माण पर यूपी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आज से लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए, नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन का संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। आचार संहिता खत्म होते ही अभियान तेज किया गया है। इस बार अभियान दो शिफ्ट में ध्वस्तीकरण होगा। सुबह 7 से 12 और दोपहर 3 से 8 तक बुलडोजर चलाया जाएगा। जेई एडवांस्ड का रिजल्ट हुआ जारी। आज से शुरू होगी काउंसलिंग। आईआईटी मद्रास ने जेई एडवांस का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम की घोषणा के साथ ही फाइनल आंसर भी रिलीज हो गई है। वहीं आज से आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। प्रवेश के लिए होने वाली ज्वाइंट सीट अलॉक्शन अथॉरिटी काउंसलिंग आज से शुरू होगी, जो 26 जुलाई तक 5 राउंड में आयोजित होगी। आज रद्द रहेगी टाटा बक्सर एक्सप्रेस। केवल जसीडी रेलखंड पर चलने वाली बक्सर टाटा बक्सर एक्सप्रेस को आज रद्द कर दिया गया है। इस ट्रेन को पहले 9 जून को भी रद्द किया गया था, लेकिन बाद में इसे 9 जून को संक्षिप्त रूप में चलाने की घोषणा की गई थी और इसे आज यानी कि 10 जून को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट में आज से सभी बेंचों में होगी नियमित सुनवाई। समर वैकेशन खत्म होने के बाद अब हाईकोर्ट में आज से सभी बेंचों में नियमित सुनवाई शुरू होगी। समर वैकेशन के बाद सुनवाई के लिए रोस्टर भी जारी किया गया है। हाईकोर्ट में 3 डिवीजन और 15 सिंगल बेंचों में सुनवाई की जाएगी। वहीं इनमें से 4 स्पेशल बेंच भी हैं। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। सन 1890 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलई का जन्म हुआ था। 1931 में आज के दिन नॉर्वे ने पूर्वी ग्रीनलैंड पर कब्जा किया था। 1983 में आज के दिन ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर पुनः प्रधानमंत्री बनी थी। 2003 में आज के दिन नासा का मंगलयान रोवर लॉन्च हुआ था। 2008 में आज के दिन लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।